हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड्डी शुभम। आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आप भी देख के आपको भी बहुत कुछ नॉलेज मिल पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आज के डेट में मतलब कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे चालान कट रहे हैं, जिसको पेमेंट करने में बहुत ही असुविधा या बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो उस पेमेंट को बहुत ही क्लियरिफिकेशन से कैसे मतलब कि पेमेंट किया जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो और काफ़ी आसानी से आप पेमेंट कर पाओ, इसके लिए मैं ये सॉल्यूशन निकाला हूँ। और मेरे वीडियो आप इसको देख के आपको बहुत ही आसानी से खुद से भी ये पेमेंट कर सकते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सिंपल और सटीक है। और आज ही मैंने इसका जब पेमेंट किया था, मैंने देखा कुछ साइट में चेंजेस हुआ है, जो कि लास्ट वीक मैंने जो कुछ पेमेंट किया था उसमें कुछ साइट में कुछ अलग था पेमेंट में मतलब पेमेंट मेथड, और आज मैंने जो पेमेंट किया उसमें पेमेंट मेथड अलग था। तो शायद आपको कुछ दिक्कत ना हो, आप देखो अगर पहले भी जो आप कर चुके हैं तो आप हमारा भी हो सकता है कि नया भी जब पेमेंट कर रहे हो तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप जो अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर उससे भी आप देख के आसानी से समझ पाओगे कि किस तरीके से पेमेंट क्लियर करना है। और मैं न्यू प्रोसेस के हिसाब से आपको बताऊंगा, और बने रही हमारे इस वीडियो में। और मुझे ज़्यादा तो बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितना भी हो मुझसे मैं आपको उतना नॉलेज शेयर कर सकूँ और आपको कोई दिक्कत ना हो हमारे इस वीडियो को देखने में और काफ़ी आसानी से आप इस वीडियो को देख के समझ पाओ। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल है और ये हमारा इंट्रो। चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ई परिवहन का साइट मैंने लॉगिन किया है, आप भी कर लो। जैसा कि देख सकते हो वहाँ पे देखिए, फिर पे नाउ का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, मैंने उसे टिक किया है। फिर देखिए दो तीन ऑप्शन है, चालान है, व्हीकल नंबर है, डीएल नंबर से है, आप तीनों नंबर किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने चालान नंबर को यूज़ किया क्योंकि हमारे पास चालान नंबर है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो ज़्यादातर वो चालान जो ऑनलाइन काटते हैं वो बिजली बिल का स्लिप की तरह है, थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होता है, बहुत जल्दी वो प्रिंटिंग हट भी जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अगर नंबर हट भी जाए तो आप व्हीकल नंबर या डीएल नंबर से उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैं चालान नंबर से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास चालान नंबर अवेलेबल था। अब देखिए, जैसे मैंने चालान नंबर डाल दिया, नीचे डाला, जैसे देखिए डिटेल आ गया। अब क्या है कि इन्हें मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं एक अपना नंबर या किसी का भी नंबर मैं डाल सकता हूँ। वो कोई ज़रूरी नहीं कि चालान में जो नंबर दिया गया है वही डालूँ, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। उसमें एक OTP जाएगा, वो OTP आपको स्क्रीन में इंटर करना होता है। जैसा कि देखिए हमारे यहाँ भी दिखा रहा है OTP गया है, मैं इसे यहाँ पर OTP को इंटर करूँगा। जैसे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, OTP आने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कोई ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं, झंझट नहीं, कहीं आपको किसी सेंटर जाने की दरकार नहीं, आप अपने घर पे मोबाइल या डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैं गया हूँ, OTP आने में वेट हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये गवर्नमेंट साइड रहता है ना, और चालान में तो खैर जितनी देर पुलिस लगाती चालान काटने उतनी देर पेमेंट में भी लग जाता है कभी कभी। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारा OTP आ गया है, मैं डाल दिया हूँ और मैं इसे सबमिट कर दिया। अब देखिए घूमते घूमते फिर आपका ये पेज में खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए चालान प्रिंट का भी ऑप्शन आया, लेकिन मुझे पेमेंट करना है तो मैंने पेमेंट का ऑप्शन को क्लिक किया है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट का खुल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ सेलेक्ट में जाइएगा, ऑप्शन आ गया है, उसे मैं सेलेक्ट कर लिया, टिक मार्क करके कंटिन्यू कर देना है आपको। सिंपली बस ये घूमते घूमते फिर आपको ये नेक्स्ट पेज में ले जाएगा जहाँ पे पेमेंट गेटवे होगा। और ध्यान रखना इसमें एक GRN नंबर भी आता है, तो उसे आप हमेशा सेव कर लेना, फिर आप किसी अदर मोबाइल से फ़ोटो ले लेना या मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि तो कभी इन केस पेमेंट डिक्लाइन होता है तो आप GRN नंबर से फिर कर सकते हैं दोबारा। अब देखिए ये जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना, ये न्यू है क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं था, वो कुछ अलग तरीके से खुलता था। ठीक है, इसमें देखिए 500 का एक चालान कटा, मैं उसका पेमेंट करने जा रहा हूँ। नीचे मैंने टिक किया, वहाँ देखिए ग्रीन हो गया, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है पेमेंट सेलेक्ट, SBI ई पे मैंने सेलेक्ट किया, बैंक का नाम आ रहा है, वहाँ भी सेम चीज़ है, फिर नेक्स्ट कर देना। कुछ नहीं, सारा चीज़ ज़्यादातर ऑटोमेटिक आ जाता है, सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए ये जो GRN नंबर है इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना, या फिर अगर मोबाइल से फोटो खींच कर रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेमेंट जब फंसेगा या फिर पेंडिंग जाएगा तो ये बहुत ही काम आएगा, अगर ये ना रहा तो बहुत दिक्कत होता है। आप पे नाउ में टिक मार देना है, पे नाउ में टिक मारने के बाद अब देखिए फिर ये हमारा पेमेंट खुल गया है। इसमें दो तीन ऑप्शन है, टिक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI वॉलेट, ये सारा चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा अपना भीम UPI यूज़ करता हूँ, क्योंकि भीम छोटा भीम, छोटा भीम की बहुत ही मुझे भरोसा है। छोटा भीम अपना नंबर दे दिया, @UPI वैलिडेट मार दिया। अब देखिए वहाँ पे क्या होगा, नीचे पे नाउ का येलो ऑप्शन है, फट से टिक मार देने का और बस थोड़ी से वेट करना। जैसे कि आपके मोबाइल पे आ जाएगा पेमेंट गेट पे, आप वहाँ से पेमेंट कर देना। चुकी हमें पेमेंट कंप्लीट। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा पेमेंट करने के बाद।
देखिए पेमेंट वेटिंग अपने आप आ जाता है, स्क्रॉल कुछ आपको रिफ्रेश कुछ करने की दरकार नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अब हो गया हमारा कंप्लीट डाउनलोड चलान, जल्द से जल्द टिक मार देना भाई, नहीं तो फिर ये बैक हो जाता है। अब ये डाउनलोड करने के बाद हमारा ये सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे। अब मैं इसे PDF भी आपको ओपन करके दिखा दूंगा कि कहाँ पे किस तरीके से ये ओपन होता है। और PDF ओपन होने के बाद आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा वेस्ट बंगाल का लोगो ये सब लगा रहेगा। देखिए शायद वेस्ट बंगाल है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बहुत सुंदर एक बारकोड भी है इसमें, आपका पेमेंट ID भी दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 500 सक्सेसफुल है, सब कुछ दिखाएगा, आपका पेमेंट इनको इन्फॉर्मेशन भी है, डिपार्टमेंट पोर्टल से सारा चीज़ हुआ है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, अपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल लेता हूँ। जैसे मैं प्रिंट कैसे निकालता हूँ इसमें दिखाता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे प्रिंटर का ऑप्शन है, तो फिलहाल मैं जिस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहूँगा मैं उसे सेलेक्ट करके प्रिंट भेज देता हूँ। अब देखिए मैंने प्रिंट भेज दिया है और ये हमारा प्रिंटिंग मशीन में जा चुका है और ये प्रिंट हो चुका है। और मैं इसे कलर ही प्रिंट निकाल कर रख लेता हूँ, क्या होगा सर ना कि कभी कभी फिर दोबारा अगर मैं जाऊँ फिर किसी कारण से कुछ पकड़ा जाऊँ तो मुझे दिखाने में तो बनेगा भैया, कुछ दिन पहले मैंने ये अपना बिल फटा था, उसका बिल मैंने किया था, बार बार बिल भरने में थोड़ा दिक्कत होता है, इससे क्या होगा ना कि थोड़ा आपको शांत होना और पुलिस लोगों से थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल जाएगा। चलो भाई एक बार कट चुका, दोबारा काटने में क्या बेचारा का तकलीफ है, बोलेंगे जाने दो, लेकिन भाई अपना पेपर हमेशा ओके रख लियो। चलिए मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको हमारा बहुत अच्छा लगा या अच्छा भी लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब दे देना, ठोक के कोई बात नहीं, और मैं मुझे थोड़ा आइडिया भी मिल पाएगा कि मैं आपको और भी कुछ नए नए तरीके का वीडियो बता पाऊँ, दिखा पाऊँ।